हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विषय ज्ञान मंत्रा। मेरा नाम प्रिया है, तो मैं थानू इंग्लिश टीच करती हूँ। ये तक तुम मैं जानते ही होगे। तो जो अज का अपना टॉपिक होएगा जी, वह है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन की होंगी है जी? शर्त। जो तो आप किसी शर्त रखते हैं उवें एक कंडीशनल सेंटेंस ने जी। एक साइड शर्त रखी चाहिए, एक साइड आप गल मे। कंडीशनल सेंटेंस की दसता है जी आपको? कंडीशनल सेंटेंस टैल्स अबाउट द कंडीशन। जेडी आप कंडीशन की दसते कहते कंडीशनल सेंटेंस, इन विच टू एक्शन टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर। एक तो बाद दूजा आता है, उन्होंने की कहने आप कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू क्लोजिज। दो क्लोज तो बनया हुआ जी अपना कंडीशनल सेंटेंस। एक फर्स्ट क्लोज इफ क्लोज आता है, सैकेंड अपना मेन क्लोज आता है। फर्स्ट क्लोज शो करता है कंडीशन नू, ते सेकंड क्लोज शो करता है कंप्लीशन या इनकंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। ठीक है जी। पहले की दसिया इन्होंने भी जेड़ा कंडीशनल सेंटेंस है कंडीशन नू दसदा है। दो एक्शन होंदे है, एक चेक होंदा, उस तो बाद दूजा उनके बारे दसिया जांदा है। पहले इफ कंडीशन इफ क्लोज होंदा है, फर्स्ट क्लोज इफ कंडीशन लगती है, तो सैकेंड मेन क्लोज होंदा जी अपना। अगो है टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। किन्ने टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस है? इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस च भी लग जाता है, इफ क्लोज पास्ट टेंस च भी लग जाता है, इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस विच भी लग जाता है। सेकंड इमेजिनरी कंडीशनल च भी आप इफ क्लोज का कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हाँ जी। हम आप चलते हैं जी अपने रूल्स वल। कंडीशन टाइप वन, कंडीशन टाइप वन की कहती है जी? इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। जेकर इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस च है तो उनका रूल की कहता है? When present indefinite tense is used in the if clause, future indefinite tense will be used in main clause. जेकर if clause दे विच present indefinite tense दी वर्तों हो रही है तो future main clause विच कादी वर्तों होएगी जी? Future indefinite tense दी। Present indefinite दा rule की होंदा है? Verb दी first form नाल s या es लगदा है। ते future indefinite दा will ते शैल दे नाल की लगती है जी? अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इफ बाद सब्जेक्ट आएगा, दैन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आएगा, फिर सब्जेक्ट आ सकता है तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस आएगा। एग्जाम्पल नाल समझो, इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम हेयर। हुण आ की है जी अपना? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है जी, इफ कंडीशन नाल लग रहा है। सैकेंड है He will not come here। एक ही अपना फ्यूचर की गल कर रहा है। लग गई समझ? जेकर इफ कंडीशन दे विच प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो मेन क्लोज की आएगा? अपना फ्यूचर इनडेफिनेट आएगा। अगला इफ, अगली एग्जाम्पल है इफ आई मीट सुजाता आई विल गिव हर द पार्सल। ये भी की हो गया? फर्स्ट च की आ रहा अपना? की आ रहा जी अपना? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। सेकेंड च की आ रहा अपना? फ्यूचर इनडेफिनेट। कंडीशन की हो रही है? सैटिस्फाइड, दैट मीन्स की है करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ शालू प्रपेयर वेल, जे शालू वेल प्रपेयर कर दी शी विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेती। ये अपना की होगी? सेम इफ कंडीशन में की अपना प्रेजेंट है, तो मेन क्लोज की अपना फ्यूचर इनडेफिनेट है। ये अपना इफ क्लोज जो प्रेजेंट टेंस में है उनका फर्स्ट रूल सीगा जी। सैकेंड रूल की कहता है? जेकर इफ कंडीशन दे विच प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस आ रहा, इफ कंडीशन दे विच प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस आ रहा है तो मेन क्लोज दे विच फ्यूचर इनडेफिनेट ही आएगा। पहले वाले च की सी? प्रेजेंट इनडेफिनेट आ रहा है इफ क्लोज दे विच, तो मेन क्लोज दे विच की आएगा अपना? फ्यूचर इनडेफिनेट। सैकेंड रोल की है जे इफ तो बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस आ रहा है तो बट बाद केड़ा फॉलो करेगा? फ्यूचर इनडेफिनेट ही आएगा। प्रेजेंट इनडेफिनेट दे की रूल है जी अपने? इज एम एंड आर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन। हम एग्जाम्पल देखो, इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आई विल हेल्प यू। एक ही है जो इफ क्लोज से केड़ा आ रहा जी अपना? केड़ा टेंस आ रहा? प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस आ रहा। तो अगो केड़ा आएगा जी अपना? फ्यूचर इनडेफिनेट। क्लीयर है सबनों? हाँ जी। रूल नंबर थर्ड की गल करते आप, जेकर इफ क्लोज दे विच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज इन इफ क्लोज, उस तो बाद भी की फॉलो होएगा अपना? फ्यूचर इनडेफिनेट ही फॉलो होएगा। इफ सब्जेक्ट आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट दे विच हैज लगता है, तो
हैव लगता है, उस तो बाद की लगता है जब अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल विल या शैल लगता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इफ हरीश हैज पेड द बिल ही विल गेट अ रिसिप्ट, जे हरी ने बिल पे कर चुका है तो उन्होंने रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, की समझे अज उन्हें इन्होंने वाले रूल्स से? आप जेकर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो भी क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यू है तो भी क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। जेकर इफ क्लोज के प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी क्या आएगा जी? अपना मेन क्लोज के फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आएगा। ये अपनी टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस की। हूँ जी अपनी कंडीशनल सेंटेंस की टाइप टू। जेकर इफ क्लोज के जेकर इफ क्लोज के पास्ट टेंस आ जाए, पास्ट टेंस आ जाए तो उनके रूल्स की है जी? इफ पास्ट इंडेफिनेट इज यूज इन इफ क्लोज, जेकर पास्ट इंडेफिनेट इफ क्लोज के यूज हो रहा वा तो वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन क्लोज के। इफ प्लस सबजैक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनेट, सबजैक्ट वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जी। एग्जाम्पल इफ ही प्रिपेयर्ड वैल ही वुड गैट द ट्रॉफी। हूँ आ की है जी अपना प्रेजेंट सॉरी पास्ट इनडेफिनेट टेंस है जी। पास्ट इनडेफिनेट टेंस का रूल की है जी? ओनली वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगती है, तो नैगेटिव च डिड लगता प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म लग जाती है, तो वुड के नाल की आना इस तो बाद फस्ट फॉर्म आनी। क्लीयर है सबनों? जेकर अपना सॉरी जेकर अपना पास्ट दे विच इफ क्लोज दे विच पास्ट टेंस आ रहा है तो मेन क्लोज दे विच अपना की आएगा जी? वुड दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है जी। फिफ्थ नंबर रूल की कहता है, जेकर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, इफ क्लोज दे विच पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ए यूज हो रहा है अपना इफ क्लोज के विच, तो उस तो बाद मेन क्लोज के विच की यूज होएगा? वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होएगी। की कहता रूल? पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है इफ क्लोज के विच तो केड़ी फॉर्म यूज होएगी? वुड के नाल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लोज के। इफ आई हैड नोन हाउ ईजी द जॉब वॉज आई वुड हैव टेकन इट। हूँ इतने की है जी अपना आ कि टेंस अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तो बाद की फॉलो होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस के विच? वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ कड़ी फॉर्म है जी? थर्ड फॉर्म। टेक दी टुक टेकन, टेक टुक टेकन, टेकन की है जी अपनी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट अपना रूल नंबर सिक्स की कहता है जी, इफ हैड इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, जेकर सब्जेक्ट तो पहला हैड यूज हो रहा है एंड वी थ्री इज यूज आफ्टर सब्जेक्ट, तो वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट तो बाद यूज हो रही है तो उस तो बाद मेन क्लोज विच की आएगा जी? अपना वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कि ये पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव बन गया, हैड प्लस सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, दैन सब्जेक्ट फिर वुड तो हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इदा है जी, हैड ही कम टू मी, हैड ही कम टू मी I would have given him my car. जो मेरे को आंदा तो मैं उन्होंने अपनी कार दिता। तो हूँ इतने की है जी, हैड की है किन्दे तो पहला आ रहा है? सब्जेक्ट तो पहला, तो सब्जेक्ट तो बाद की आ रही है वी थ्री, कम केम कम होंगी है जी, तो उस तो बाद आप की फॉलो करेंगे? वुड हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हूँ दोबारा आप रिपीट करते हैं, प्रेजेंट विच इफ प्रेजेंट टाइप विच की होंगे जी अपनी कंडीशनल सेंटेंस, जे इफ क्लोज के प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है तो मेन क्लोज के विच की आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यू रहा है तो भी की रहेगा जी? फ्यूचर इंडेफिनेट मेन क्लोज। जे प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी की होएगा? अपना फ्यूचर कॉन्टीन्यू और फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहेगा। जेकर पास्ट इंडेफिनेट आ रहा तो की लगेगा? वुड दे नाल, आ देखो की लगेगा जी? वुड दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, जेकर उस तो बाद किसी जेकर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो कंडीशनल सेंटेंस के विच की लगेगा जी? अपना वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगी। जे सब्जेक्ट तो पहला हैड आ रहा है तो सब्जेक्ट तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो भी उस तो बाद की आएगा? वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अपनी थर्ड टाइप कही जी? इमेजनरी। आप इमेजिन करते हैं कोई चीज़,
ਜਦੋਂ ਅਮੇਜ਼ਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਕਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਇਫ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੁੱਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਮੇਜ਼ਨਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੇਜ਼ਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ? ਵੁੱਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਫੋਲੋ ਹੋਗੀ। ਇਫ ਇਟ ਵਰ ਸੰਡੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਫੋਰ ਅ ਲੋਂਗ ਡਰਾਈਵ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਂਗ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਓਨੈਸਟ, ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਗਲੈਡਲੀ ਲੈਂਡ ਦੈਮ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਮੇਜ਼ਨਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਅਨਲੈਸ ਤੇ ਅਨਟਿਲ, ਜਦ ਤੱਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ? ਇਫ ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਟਿਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਪ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅਨਟਿਲ ਹੀ ਕਮ ਬੈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫੋਰ ਐਟ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਟਿਲ ਹੀ ਕਮ ਬੈਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਨਲੈਸ ਕਾਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ? ਐਕਸੈਪਟ ਇਫ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚਾਂਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਅਪਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਨਟਿਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਨਟਿਲ ਤੇ ਅਨਰੈਸ ਦਾ ਰਾਸ ਪਲੂਰਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਇਫ ਤੇ ਐਜ਼ ਦੋ। ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਇਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਟੈਂਸ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਇਫ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਕਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਕੁਵੀਨ, ਇਹ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ? ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੀ ਬਿਹੇਵ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਐਜ਼ ਇਫ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਫ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਟੈਂਸ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ? ਵੁੱਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੁੱਡ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ? ਵੁੱਡ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਲੈਸ ਤੇ ਅਨਟਿਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਜੀ? ਅਨਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਇਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਅਬਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।